हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सी यू टी बाय 24/7। आंसर की आने के बाद जो मोस्ट अवेटेड वीडियो ये थी कि मैम हम लोग ऑब्जेक्शंस रेज करें तो किन क्वेश्चंस के लिए रेज करें। बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा है कि मैम हमारी आंसर कीज में दिक्कत है, तो मैं बच्चों आप लोगों को ये बोलूँगी इतनी सारी आंसर कीज चेक करने के बाद जो कॉमन मेरे को क्वेश्चंस निकल कर आए हैं जिन पर आपको डेफिनेटली ऑब्जेक्शंस रेज करने चाहिए विद प्रूफ्स, वो मैं आपको यहाँ इस वीडियो में बता रही होंगी। और लास्ट में एक दो जो एरर्स कुछ बच्चों के साथ मुझे देखने को मिले उस पर भी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, ताकि अगर वो बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है तो उसके ऊपर डेफिनेटली हम लोग आवाज़ उठाएं एंड वी मेक श्योर कि जो सही चीज़ है वो डेफिनेटली यहाँ पे हो रही हो। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ केमिस्ट्री को लेकर, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और मैंने आप लोगों को बोला है कि अगर आपको कोई भी ज़रूरत होगी तो मैं उसके लिए आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करवा रही होंगी। एंड डेफिनेटली मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ले रही हूँ कि मैं आप लोगों को ऑब्जेक्शंस ये फाइनली बताने जा रही हूँ कि आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चंस पे रेज करना चाहिए जिनके अगेंस्ट आपको मार्क्स डेफिनेटली बच्चों मिल रहे होंगे, ठीक है। और अभी आप लोगों के पास टाइम था इसीलिए मैंने बोला था कि आप लोग जल्दबाजी में ऑब्जेक्शंस रेज मत करो, क्योंकि एक ही बार आप वो रेज कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर देना उन सभी बच्चों के साथ जो पीसीएम या साइंस को बिलोंग करते हैं। इवेंचुअली हर बच्चे की मदद होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों। सबसे पहली बात जो पूरा चेक करने के बाद, क्योंकि सीयूईटी में केमिस्ट्री का पेपर दो बार हुआ है, ठीक है, एक पेपर 15 मई को रहा है, पेपर 29th ऑफ मई को रहा है, दोनों ही शिफ्ट्स में दोनों ही पेपर में आपके एक एक क्वेश्चन गलत निकल कर आए हैं, ठीक है। अब मैम हमारे तो सेट ए है, बी है, सी है या डी है, तो जो भी बच्चों आपका सेट है, सेट से आपका क्वेश्चन नहीं बदल रहा है, क्वेश्चन नंबर बदल रहा है, ठीक है। तो आपके पेपर में जो भी वो क्वेश्चन नंबर है वो आप अलग से मेंशन कर दीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपके सेट में होगा और अगर आपने इसको अटेम्प्ट करा है तो इसके लिए आप ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हो। तो दोनों ही सेट में एक एक क्वेश्चन है जहां पर हमारे ऑप्शंस या आंसर की में जो आपको आंसर दिया हुआ है वो गलत दे रखा है, ठीक है। तो तैयार हो जानने के लिए चलिए सबसे पहले 15 मई की बच्चों बात करते हैं, ठीक है। ऑफलाइन एग्जाम था, एक ये सवाल था जिसको मैंने आई थिंक जब मैंने आंसर की आप लोगों को दी थी तब भी मैंने बोला था ये क्वेश्चन के दो आंसर सही हैं, और अब भी मैं ये बोलूंगी इस क्वेश्चन के दो आंसर सही हैं। और एनटीए ने इसका केवल किसी के सेट में, वैसे मैंने देखा है कि अलग आंसर राइट करा हुआ है, किसी के सेट में अलग आंसर राइट करा हुआ है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि वही है कि ये जो आंसर किया है वो ऑफिशियली सबको एक्सेसिबल नहीं है, वो केवल बच्चों को एक्सेसिबल है। तो वो आप लोग अपने पार्ट पे चेक करो कि आप लोगों के आंसर की में इसका आंसर, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमारे आंसर की में इसका आंसर बी दे रखा है, जो कि सही है, ठीक है, क्योंकि जो कैडमियम है आप लोगों का D10 कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा, टू पॉजिटिव में, और D10 होगा तो ये डायमैग्नेटिक होगा। और जो सवाल है उन्होंने बोला है कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो रिपेल करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स वहाँ पे होंगे, ठीक है। कुछ बच्चों के सेट में ये आंसर नहीं दे रखा, कोई और आंसर दे रखा है जो गलत भी है। अब अगर वो आपके में है तो फिर तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन रेज करना है, लेकिन अगर बी आंसर है तो बी भी सही है, ठीक है, दैट इज नॉट रॉन्ग आंसर। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इस वाले ऑप्शन को देखूँ बेटा, तो यहाँ पे भी Fe2 पॉजिटिव स्टेट में है और ये 3D6 है, और क्योंकि CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये आपके पास डायमैग्नेटिक के फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहा होगा, यानी कि ठीक है, हो सकता है वो गलती से उन्होंने ये ऑप्शन दिया हो, क्योंकि देखो एक इंसान अगर पहली नज़र में देखेगा तो कैडमियम पे आंसर मार्क करके आएगा, लेकिन अब जिस बच्चे ने सी मार्क करा है वो भी सही है, क्योंकि इवेंचुअली लॉजिक्स और पूरी रीजनिंग के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन भी सही होने वाला है। तो इस क्वेश्चन में मार्क्स सबको मिलने चाहिए जिन्होंने भी अटेम्प्ट करा है, क्योंकि इस क्वेश्चन के दो आंसर सही हैं, बी और सी, ठीक है। तो आप लोगों को मैम क्या, हम लोगों को कैसे ऑब्जेक्शन रेज करना है, जिन भी बच्चों ने इसे अटेम्प्ट करा है, आपको अगर सी आंसर आपने मार्क किया है तो आप सी पे सेलेक्ट करोगे कि मैम सी आंसर मैंने मार्क किया था, इसके लिए मुझे ऑब्जेक्शन रेज करना है। नीचे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो उसके लिए ना मैंने पूरा सोल्यूशन और पूरा जो इसका रीजनिंग एक्सप्लेनेशन है वो मैंने लिख दी है। ये फाइल कैसे आप लोगों को मिलेगी वो मैं लास्ट में एक बार बता देती हूँ, लेकिन आपको साथ में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो ये आप डॉक्यूमेंट उसके लिए अपलोड कर सकते हो। बस इस डॉक्यूमेंट में अपना सेट, आपका जो भी डेट था एग्जाम का और जो भी आपका क्वेश्चन नंबर बन रहा है, ठीक है, अब हर सेट में अलग हो सकता है, जैसे सेट नंबर सी में क्वेश्चन नंबर 38 है ये, तो जो भी आपका क्वेश्चन है वो इसमें आप लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको ये मैं इमेज के फॉर्मेट में दे दूंगी, उस पर आप इसको चेंज करके यहाँ पे कहीं पे भी लिख सकते हो कि आपका सेट वगैरह क्या है। मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन डाल दिया, देयर एग्जिस्ट टू करेक्ट ऑप्शंस, बी और सी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे रीजन भी लिख दिया है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल करते हैं, दोनों डायमैग्नेटिक को प्रूव भी कर दिया है, तो दोनों ही ऑप्शंस के लिए आंसर यहाँ पे आपको मिलना चाहिए, तो इस पर आप डेफिनेटली ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो।
कुछ बच्चों के सेट में और भी क्वेश्चन निकल के आ रहे थे, लेकिन कुछ बच्चों के सेट में वो सही थे, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये हर बच्चे के सेट में प्रॉब्लम है, तो आप इसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 29 मई वाले बच्चों की भी बात कर लेती हूँ कि ये सवाल है। ठीक है, आई थिंक सो आप लोगों ने देखा होगा इसमें पूछा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, इस क्वेश्चन का कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इस पर हर बच्चा जिसने अटेम्प्ट करा है उसे नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ही सही नहीं है। ठीक है, एक बार मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिखा देती हूँ। बोला डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक इज लेस स्टेबल, लेस स्टेबल नहीं होता, ज़्यादा स्टेबल होता है। इथाइलामाइड इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल नहीं होता, सॉल्युबल होता है। गैब्रियल थैलेमाइड से प्राइमरी अमाइन बनाते हैं, सही स्टेटमेंट है। प्लस आर इफेक्ट की वजह से एनिलीन फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन शो करता है, नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, ल्यूस एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। तो तीन स्टेटमेंट रॉन्ग है, केवल सी ऑप्शन सही है, और ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसके ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, दिस इज फॉर 29th of May। ठीक है, अगेन मैंने इसका आप लोगों का जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करवाया है। मैंने एनसीईआरटी की जो क्लिपिंग्स हैं उसको भी हाईलाइट कर दिया है कि एनसीईआरटी ने ये स्टेटमेंट्स ट्रू बोली हुई हैं, तो आप इसको फॉल्स नहीं, मतलब ये स्टेटमेंट्स आपकी फॉल्स है जो आप लोगों ने दी हुई है, तो डेफिनेटली आप उसको ऑप्शन नहीं मान सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा मैंने डाला हुआ है, इसमें भी आप अपना सेट, ठीक है, आपका जो भी डेट रहा है एग्ज़ाम का और जो आपका क्वेश्चन नंबर है वो आप ऐड कर दीजिएगा, और फिर आप इसको अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन डेफिनेटली दोनों एक एक शिफ्ट में गलत पाए गए हैं। ठीक है, पहली बात ना, मैं पीडीएफ कहाँ से लेनी है, तो ये पीडीएफ ना मैं आपको अपनी कम्युनिटी पे अपलोड कर दूंगी। ऐप पे आप जाओगे, कम्युनिटी आई थिंक सभी ने ज्वाइन करा हुआ है केमिस्ट्री बाय आयुषी मैम करके, वहाँ से ये आप पीडीएफ या इमेज जो भी रहेगा इसको डाउनलोड कर लेना और अपनी ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हो। आज शाम तक आप कर लेना आराम से, क्योंकि कल तक का हमारे पास टाइम है। और सेकेंडली देखो, मैं अब यहाँ पे बोलना चाहूँगी, कुछ बच्चों से मेरे पास ये इनपुट्स आए हैं कि मैम हमारे सेट में 20-20 आंसर्स गलत है। ठीक है, जबकि और बच्चों के सेट में वो सही है। ठीक है, अब आई डोंट नो ये औरों के साथ भी हुआ है या नहीं है, लेकिन अगर ऐसा सच में हुआ है तो ऑब्वियसली एक बच्चा 20 क्वेश्चन पे चैलेंज नहीं डाल सकता है, हो सकता है उसी की आंसर की गलत आई हुई है। तो अगर ऐसा केस है, ठीक है, तो मैं पहली चीज़ तो आप लोगों को बोलूँगी कि जो ये ईमेल हमें मिली थी, ठीक है, उन्होंने हमें एक ईमेल दिया हुआ है जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप इस पर्टिकुलर ईमेल पे मेल कर दीजिए। ठीक है, ये है आपका मेल, इन केस यू आर नॉट एबल टू व्यू ओएमआर वगैरह, व्यू ओएमआर के लिए भी मेल है। तो अगर आपकी आंसर की में ऐसा है कि 20 क्वेश्चन गलत है, और प्लीज़ वो सही तरीके से गलत ही होने चाहिए, मतलब यू शुड मेक श्योर कि वो सच में गलत है, आप हमारी आंसर की से मैच कर सकते हो, तो उससे आप चेक कर लेना। RECUET UG, ठीक है, इस वाली RESCUET UG बोल लो या RECUET UG बोल लो, जो भी ये बोलना चाहते हैं। ठीक है, @NTA.EC.IN इस पर अपना एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम, और एप्लीकेशन में अपना ग्रीवेंस वो डालो कि माय आंसर की इज़ नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू माय करेक्ट सेट। ठीक है, तो हो सकता है अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ऑफिशियली जो मेजॉरिटी मेरे को रिस्पॉन्सेज मिले हैं, ये दो क्वेश्चंस तो पक्का गलत हैं, इन पर आप ऑब्जेक्शंस डाल दीजिए। इसके अलावा एक दो बच्चे के साथ अगर ऐसा है कि मैम हमारी आंसर की में सही में सही ऑप्शंस को गलत करा हुआ है, और ऐसे 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो ऑब्वियसली आपको मेल करना चाहिए। एंड ऑल्सो डू लेट मी नो कमेंट्स में, अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं तो वील मेक श्योर कि इस पर क्या कर सकते हैं। मेरे को कम्युनिटी पर भी एक बार ना अपना डिटेल्स मैसेज कर दीजिएगा, आई ट्राई रीचिंग यू आउट, और डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि अगर सच में बड़ा नंबर है तो आज शाम तक वील मेक श्योर कि कुछ वे आउट इस पर हम निकालें। अदरवाइज ऑल द बेस्ट बच्चों, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितने स्कोर्स केमिस्ट्री में बन रहे हैं आपके। कुछ बच्चों के बहुत अच्छे बन रहे हैं, बट कुछ बच्चों के थोड़े से मार्क्स हो सकता है साइंस में ऊपर नीचे हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था स्पेसिफिकली 15th मई के लिए। तो जो बच्चे बोले मैम नॉर्मलाइजेशन होगा, तो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन होगा, सो डोंट वरी एट ऑल। 15th मई का पेपर स्लाइटली डिफिकल्ट था, 29th मई का आसान था, एंड क्या पता भी एक और CUET हो कुछ बच्चों का, तो उसमें भी आपको चॉइस मिलेगा। सो लेट्स वेट फॉर द फाइनल अपडेट्स, टिल नाउ अपनी आंसर की चेक करके ये दो ऑब्जेक्शन रेज कर लीजिए, एंड कोई और डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। ऑल द बेस्ट बच्चों, आई होप इट हेल्प्स, एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।